गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम आपके लिए पढ़ेंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का हमारा लेसन चल रहा है, आपका थर्ड लेसन। तो इससे पहले मैंने आपके लिए बताया पढ़ाया था ह्यूमस का मृदाओं में महत्व। अगली वीडियो के माध्यम से हमने क्या पढ़ाया, ह्यूमस का मृदा में महत्व, ये टॉपिक कंप्लीट करवाया था कि ह्यूमस का मृदा महत्व क्या होता है। तो बताया था मृदा संरचना में सुधार होता है, धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि होती है, मृदा ताप जल धारण क्षमता, सुगठता, ससंजन, ये सारा महत्व किसका था, ह्यूमस का महत्व था। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके लिए, वो टॉपिक है मृतिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति। मृतिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति, मृतिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति। इसका मतलब जो मृतिका है अपन की, किले जो मृदा है उस पर जो आवेश है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो मृतिका कणों पर आपको पता है कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश। कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, जब जो हमारी सोयल है उस पर कौन सा आवेश पाया जा रहा है, ऋण आवेश पाया जाता है। ऋण आवेश पाया जाता है इसलिए वह धन आवेश, इसलिए वह धन आवेश या धनायन को अपनी ओर आकर्षित करती है। अपनी ओर आकर्षित करके वह धनायन उसकी सतह पर अवशोषित हो जाते हैं। धनायन उसकी सतह पर क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं और मृदा उर्वर बन जाती है। तो वह मृदा जिसमें धनायनों की मात्रा अधिक होती है, वह मृदा कैसी होती है, उर्वर होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मृतिका पर क्या पाया जा रहा है, ऋण आवेश पाया जा रहा है। धनायन को तो क्या कर रही है, ये आकर्षित कर रही है, अधिशोषित कर रही है। जब धनायन आ रहा है यहाँ पर, ऑलरेडी पहले से ही मृतिका पर क्या पाया जा रहा है, ऋण आवेश पाया जा रहा है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, इसके बारे में पढ़ना है हमको। मृतिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति, कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। और यह इसलिए ऋण आवेश पाया जाता है, इसलिए ही यह धनायनों को, धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करती है। जिस मृदा में धनायन अधिक मात्रा में होते हैं वह मृदा अधिक उर्वर होती है। ह्यूमस की जो धनायन विनिमय क्षमता होती है, ह्यूमस क्या होता है, जो भी अपन के कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके सड़ गल जाने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। अब ह्यूमस की जो धनायन विनिमय क्षमता होती है 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम माइनस वन होती है। इसका मतलब एक किलोग्राम में कितने धनायन होंगे, 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। एक किलोग्राम में 150 से 300 सेंटीमोल क्या होंगे, धनायन होंगे, ठीक है, ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता। तो इस प्रकार से जो मृदा होती है उस पर ऑलरेडी रूप में क्या पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है, लेकिन वह धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जिस मृदा में अधिक धनायन होते हैं वह मृदा क्या हो जाती है, उर्वर हो जाती है, और जिस मृदा में धनायन नहीं होते हैं वह मृदा अनुर्वर होती है। तो सबसे पहले ऋण आवेश की उत्पत्ति को देखेंगे। इसकी उत्पत्ति दो प्रकार से होती है, वो कैसे होती है लिखेंगे। अब लिखो, मृतिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति, मृतिका कणों पर ऋण आवेश पाया जाता है, मृतिका कणों पर ऋण आवेश
मृतका कणों पर ऋण आवेश पाया जाता है। कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश पाया जाता है जिसकी उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। ये समझ में आ गया कि जो हमारी मृतका होती है, सॉयल होती है, उस पर कौन सा आवेश पाया जाता है? भाई ऋण आवेश पाया जाता है उसकी सतह पर, और फिर वो धनायनों को अधिशोषित करती है अपनी सतह पर। धनायन अधिशोषित हो जाते हैं तो वह मृदा उर्वर बन जाती है। कैसी बन जाती है? उर्वर बन जाती है। ठीक है, ये हुआ। अब पहले से क्या पाया जा रहा है? ऋण आवेश पाया जा रहा है, लेकिन इसकी ऋण आवेश पाया जा रहा है तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये पढ़ना है ना। दो प्रकार से ऋण आवेश पाया जाता है जिसकी उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। सबसे पहले खुले क्रिस्टलीय किनारे किस प्रकार से होती है? खुले क्रिस्टलीय किनारों से होती है। तो इसमें लिखेंगे सिलिका एवं एल्यूमिना क्या है? सिलिका एवं एल्यूमिना की बाहरी परतों पर एल्यूमिना की बाहरी परतों पर किस किस की पर? सिलिका एवं एल्यूमिना की बाहरी परतों पर ऑक्सीजन एवं हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं जो ऋण आवेश के रूप में कार्य करते हैं, जो ऋण आवेश के रूप में कार्य करते हैं अधिक पीएच मान पर इसका मतलब पीएच मान जब बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है? अधिक पीएच मान पर हाइड्रोक्सिल मूलकों का H+ द्वारा विघटन कर दिया जाता है। इस प्रकार से ऋण आवेश की उत्पत्ति होती है। अब देखेंगे सिलिका एवं एल्यूमिना किसकी परतें हैं? सिलिका एवं एल्यूमिना की किस किस की है? सिलिका एवं एल्यूमिना, ठीक है, सिलिका की हो गई और एक हो गई एल्यूमिना की। इन पर
हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है। फिर इसमें से क्या है कि SiO माइनस और इसमें AlO एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस जल, जल के रूप में ये बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर ऋण आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। अब देखेंगे इसको वापस से, देखो खुले कृष्ण किनारों से किस प्रकार से ऋण आवेश की उत्पत्ति। सिलिका एवं एल्युमिना की बाहरी परतों पर, ये सिलिका की परत है और ये एल्युमिनियम की परत है, बाहरी परतों पर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है एवं हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। ऑक्सीजन हो गया और ये हो गया हाइड्रोक्सिल समूह, क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल समूह। इसमें ऑक्सीजन अलग है एच से और ये केवल हाइड्रोक्सिल है। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं जो ऋण आवेश के रूप में कार्य करते हैं, किसके रूप में कार्य करते हैं, ऋण आवेश के रूप में। इनका जब पीएच मान बढ़ जाता है, इस मृदा का जब क्या बढ़ जाता है, पीएच मान बढ़ जाता है, तो ओएच मूलकों का, जो ये ओएच मूलक है मृदा की जो सतह पर, ओएच मूलकों का एच प्लस द्वारा, जो इसमें एच दिखाई दे रहा है, ओएच मूलक ये मृदा पर है, मृदा की सतह पर, इनका प्रतिस्थापन एच प्लस के द्वारा कर दिया जाता है। अब यहाँ से एच प्लस किसके साथ में निकल गया, OH के साथ में, तो ये क्या बन गया, एक और एक दो एच हो गए और एक O हो गया H2O। इसका मतलब जल बाहर निकल गया, जल के रूप में जो हाइड्रोजन है वो OH को प्रतिस्थापन करने के साथ साथ वो भी बाहर निकल गया, तो यहाँ पर ऋण आवेश की उत्पत्ति हो गई। क्या बचा फिर, SiO सिलिकॉन ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड बचा। दोबारा से देखेंगे, सिलिका और एल्युमिनियम की परत हैं, सिलिका और एल्युमिनियम की परत हैं, इन पर ऑक्सीजन एवं हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, ये हाइड्रोक्सिल समूह है और ये ऑक्सीजन समूह है, ये होते हैं भाई। अब इस पर हमारा हाइड्रोजन पाया जा रहा है, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोक्सिल समूह के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन पाया जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये क्रिया करते हैं, हाइड्रोक्स इसका पीएच मान बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, पीएच मान बढ़ जाता है, तो एच हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल समूह को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, एच प्लस द्वारा विघटन कर दिया जाता है, किसका, हाइड्रोक्सिल का। अब यहाँ पर कितने एच हुए, दो एच हुए, एक एच, एक हाइड्रोक्सिल का हुआ और एक हाइड्रोजन का हुआ, दो एच तो ये हो गए और एक वो हो गया, तो ये जल के रूप में ये बाहर निकल गया और क्या बचा, सिलिकॉन ऑक्साइड बचा। ऐसे ही एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोजन है इसकी परत पर और हाइड्रोक्सिल, ये क्रिया करते हैं, अधिक पीएच मान बढ़ने पर क्रिया करते हैं, तो ये जल के रूप में इस एच को बाहर, एस एच के द्वारा ये ओ एच माइनस है, इसका प्रतिस्थापन कर दिया जाता है, जल बाहर निकल गया और ऋण आवेश की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार से ऋण आवेश की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार से खुले क्रिस्टलिक किनारों के माध्यम से ऋण आवेश की उत्पत्ति होती है। अब आगे चलते हैं, मैंने दो प्रकार बताए ना, मृदा कणों पर आवेश की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है, पहला खुले क्रिस्टलीय किनारे, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की जो बाहरी परत होती है उस पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है एवं हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं, जिस जिनका अधिक, जब मृदा का अधिक पीएच बढ़ जाता है या पीएच मान बढ़ जाता है, तो हाइड्रोक्सिल का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन द्वारा कर दिया जाता है, शेष क्या बचता है, हाइड्रोजन जब हाइड्रोक्सिल को प्रतिस्थापित करेगा तो शेष क्या रह जाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड ऋणात्मक, एल्युमिनियम ऑक्साइड ऋण, इस प्रकार से आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। नंबर दो, एक प्रकार हो गया, अब लिखेंगे नंबर दो प्रकार, दूसरी प्रकार से ऋण आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, समाकृतिक प्रतिस्थापन, समाकृतिक प्रतिस्थापन। समाकृतिक प्रतिस्थापन,
समाकृतिक प्रतिस्थापन ये क्या होता है? मृदा कुलैड में, मृदा कुलैड में धनात्मक मृदा कुलैड में धनात्मक संयोजकता मृदा कुलैड में धनात्मक संयोजकता वाले एक आयन द्वारा धनात्मक संयोजकता वाले एक आयन द्वारा किसके द्वारा धनात्मक संयोजकता वाले एक आयन द्वारा दूसरे आयन को एक आयन द्वारा दूसरे आयन को प्रतिस्थापित दूसरे आयन को प्रतिस्थापित करना एक आयन द्वारा दूसरे आयन को प्रतिस्थापित करना प्रतिस्थापन कहलाता है। प्रतिस्थापन कहलाता है। आप देखेंगे समाकृतिक प्रतिस्थापन मृदा कुलैड में धनात्मक संयोजकता वाले, इसका मतलब है समान, समाकृतिक का मतलब समान के द्वारा प्रतिस्थापन, इसका मतलब धनायन का, धनायन के द्वारा। समाकृतिक का मतलब समान, इसका मतलब धनायन का, धनायन के द्वारा क्या होगा? प्रतिस्थापन होगा। तो मृदा कुलैड में धनात्मक संयोजकता वाले एक आयन द्वारा दूसरे आयन को प्रतिस्थापित करना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे Si प्लस फोर का प्रतिस्थापन Al प्लस थ्री Si प्लस फोर का प्रतिस्थापन Al+3 द्वारा होने से ऋण आवेश Si+4 का प्रतिस्थापन Al+3 द्वारा होने से ऋण आवेश प्राप्त होता है। देखिए भाई Si+4 का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो रहा है? Al+3 के द्वारा हो रहा है, तो ऋण आवेश प्राप्त होता है। जैसे हमने तीन में से चार घटाए तो क्या बचा? माइनस का एक बचा या नहीं बचा? अब किसके द्वारा कर रहे हैं हम? इधर देखो Si+4 का प्रतिस्थापन कर रहे हैं। किसके द्वारा कर रहे हैं? Al+3 के द्वारा। अब इस पर आयन कम है और इस पर ज़्यादा है, इस पर तीन है और इस पर चार हैं, तो इसके द्वारा जब प्रतिस्थापन किया जाएगा तो एक माइनस का बचेगा कि नहीं बचेगा? तो किसकी उत्पत्ति हुई? ऋण आवेश की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, Si+4 का प्रतिस्थापन Al+3 द्वारा Al+3 द्वारा होने से ऋण आवेश प्राप्त होता है। एक प्रकार से ऐसे है कि तीन में से चार जब हम घटाते हैं तो माइनस का एक बचता है। इसी प्रकार से Si+4 का किसके द्वारा कर रहे हैं? Al+3। Si+4 पर चार आयन है, चार आवेश है भाई। ठीक है, तो इस पर कितने हैं? तीन,
तो इसके द्वारा इसका प्रतिस्थापन किया जाएगा तो यह माइनस एक और बचेगा, तो ऋण आवेश की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से ऋण आवेश की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। कौन कौन से प्रकार हो गए? वो खुले कृष्णीय किनारे और समाकृतिक प्रतिस्थापन। यहाँ तक आज यहाँ आपका ये लेसन नंबर थर्ड समाप्त किया जाता है। लेसन नंबर थर्ड समाप्त हो गया है और इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको तुरंत प्राप्त होती रहें। अब इसके बाद में आपका लेसन नंबर फोर्थ स्टार्ट किया जाएगा। तीन लेसन यहाँ तक समाप्त हो चुके हैं। लेसन थर्ड फोर्थ लेसन नंबर चार लेसन चार इसका नाम है भाई आयन विनिमय। लेसन चार का नाम क्या है? आयन विनिमय। आयन विनिमय लेसन जो हमारा चार है उसका नाम है आयन विनिमय। अब देखिए आयन विनिमय क्या होता है। आयन हमारे दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। दो होते हैं, आयन तो ये हो गए धनायन और ऋणायन। अब विनिमय क्या है? विनिमय क्या है भाई, इसको समझेंगे। विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान। आदान प्रदान क्या होता है? आदान प्रदान। तो इसमें क्या होता है? विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य समान आवेश वाले आयनों का पारस्परिक अधिशोषण क्या कहलाता है? आयन विनिमय कहलाता है। इसका मतलब धनायन आएगा भी और जाएगा भी। तो आयन विनिमय का मतलब हुआ धनायन एवं ऋणायनों का आना और जाना, आदान प्रदान क्या कहलाता है? आयन विनिमय। आयन कितने कौन कौन से थे? धनायन और ऋणायन। विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान, जो आयन हैं उनका आना और जाना आयन विनिमय कहलाता है। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे। आयन विनिमय क्या है? विनिमयशील विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य समान आवेश वाले आयनों का आदान प्रदान विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य समान आवेश वाले आयनों का आदान प्रदान ही आयन विनिमय कहलाता है। देखिए आयन का मतलब होता है धनायन और ऋणायन, ठीक है। तो विनिमयशील प्रावस्थाओं और विनिमय का अर्थ होता है आना और जाना। विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य समान आवेश वाले जैसे धनायन है और धनायन है, दोनों हैं समान, धनायन और धनायन
समान आवेश वाले आयनों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? आयन विनिमय कहलाता है। दूसरा होता है आयनिक विनिमय, दूसरा होता है वही आयनिक विनिमय, आयनिक विनिमय। एक तो हो गया आयन विनिमय जो आपके लेसन का नाम है, दूसरा है आयनिक विनिमय, वह प्रक्रम जिसमें आयन्स का विस्थापन हो जाता है, वह प्रक्रम जिसमें जिसमें आयन्स का विस्थापन हो जाता है, विस्थापन हो जाता है आयनिक विनिमय कहलाता है, आयनिक विनिमय कहलाता है। अब देखिए आयनिक विनिमय क्या है, वह प्रक्रम जिसमें आयन्स का विस्थापन हो जाता है वह क्या कहलाता है? आयनिक विनिमय। तो यहाँ पर अंतर किस किस में हुआ? एक तो हुआ आयन विनिमय और एक हुआ आयनिक विनिमय। इसको ध्यान से पढ़ना है कि आयन विनिमय अलग होता है और आयनिक विनिमय अलग होता है। तो आयन विनिमय में क्या है अपन का? विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य समान आवेश वाले आयनों का आदान प्रदान ही आयन विनिमय कहलाता है। आयन और आयनिक, आयन और आयनिक, यह अंतर है। आयनिक विनिमय क्या होता है? विनिमय का मतलब तो वही है आदान प्रदान, यह क्या आयनिक, वह प्रक्रम जिसमें आयन्स का विस्थापन हो जाता है। अब इसमें क्या हुआ है? प्रक्रम होता है जिसमें आयन्स का विस्थापन हो जाता है, विस्थापन हो जाना ही क्या कहलाता है? आयनिक विनिमय कहलाता है। अब देखेंगे जो आयन विनिमय होता है ये कितने प्रकार का होता है, आयन विनिमय है वो कितने प्रकार का होता है? तो आयन विनिमय दो प्रकार का होता है, आयन विनिमय कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो धनायन विनिमय और दूसरा ऋणायन विनिमय। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है धनायन विनिमय और दूसरा होता है ऋणायन विनिमय। अब धनायन विनिमय में क्या होगा, यहाँ लिखते हैं जैसे हम धनायन विनिमय, धनायन विनिमय। अब इसमें क्या होगा, जो हमारे धनायन होंगे उनका क्या होगा? आदान प्रदान होगा। क्या होगा? आदान प्रदान। इसका मतलब धनायन समान आवेश वाले आएंगे और जाएंगे। विनिमय का अर्थ बताया मैंने आदान प्रदान, विनिमय का अर्थ क्या बताया? आना और जाना। किसका? धनायनों का। ये तो हुआ भाई धनायन विनिमय। दूसरा आएगा हमारा ऋणायन विनिमय, ऋणायन विनिमय। इसमें क्या होता है, इसमें जो धनायन होते हैं हमारे जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, इनका क्या होता है भाई? इनका विस्थापन हो जाता है और वो किसके द्वारा हो जाता है? हाइड्रोक्सिल OH- आयन के द्वारा जो धनायन है उनका विस्थापन हो जाता है और उनके स्थान पर कौन आ जाता है? ऋणायन आ जाता है। इस प्रकार से ऋणायनों का आना क्या कहलाया? ऋणायन विनिमय कहलाया। तो धनायन कितने प्रकार के हुए हमारे? दो प्रकार के हुए। कौन कौन से हुए? आयन कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। दो प्रकार कौन कौन से हो गए? धनायन विनिमय और दूसरा हो गया ऋणायन विनिमय। इसको लिखेंगे आयन विनिमय, आयन विनिमय दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। आयन विनिमय कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अब दो प्रकार कौन कौन से हो गए?
एक तो हो गया भाई धनायन विनिमय, धनायन विनिमय, और दूसरा हो गया हमारा ऋडायन विनिमय, ऋडायन विनिमय। तो मैंने इसमें बताया धनायन विनिमय, धनायन का मतलब हो गया हमारे धनायन, और विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान। क्या होता है? आदान प्रदान। इसका मतलब समान आवेश वाले धनायन होंगे, उनका आना और जाना क्या कहलाएगा? धनायन विनिमय कहलाएगा। एक तो आएगा और एक इसको प्रतिस्थापित करेगा। एक तो यहाँ पर धनायन आएगा और दूसरा यहाँ से जो आने वाला है, यहाँ पर पहले एक तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, अब यहाँ पर जो दूसरा आएगा ना इधर से जो धनायन, वो यहाँ से इस धनायन को प्रतिस्थापित कर देगा और स्वयं इसके स्थान पर आ जाएगा। इस प्रकार से धनायनों का ये हुआ विनिमय, धनायनों का आदान प्रदान। ऋडायन विनिमय में मैंने आपके लिए बताया है कि जो भी धनायन होते हैं, जो भी अपन के धनायन होते हैं सोयल के अंदर, जो भी ये धनायन हैं इनका प्रतिस्थापन, इनका प्रतिस्थापन OH मूलक द्वारा, OH हाइड्रोक्सिल के द्वारा कर दिया जाता है। अब इनके स्थान पर कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो यहाँ किसकी उत्पत्ति हो गई? ऋडायन की हो गई। तो कौन आ गया? धनायन को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर ऋडायन आ गया, तो उसे क्या कहा हमने? ऋडायन विनिमय कहा। तो इसको हम आपके लिए अगली वीडियो में लिखाएंगे, आगे की जो वीडियो होगी उसमें इसके बारे में लिखाएंगे कि आयन विनिमय दो प्रकार का होता है, किस किस प्रकार से होता है। तो ये लेसन आपका फोर्थ स्टार्ट कर दिया है। अब इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत उपलब्ध हो सकें। ओके, थैंक यू।